हेलो एवरीवन, और मैं हूँ आपके साथ मानसी। चाय तो हर कोई बनाना जानता है और आप डेली अपने घर में बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं रेसिपी ट्राई कर रही हूँ ना, वो थोड़ा अलग तरीके से है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए और वीडियो देख लीजिए। आज ना हम बना रहे चाय की रेसिपी, तो उसमें मैंने बनाया मसाला चाय और लेमन टी। तो पहले आइए लेमन टी की रेसिपी देख लीजिए। उसके लिए मैंने लिया पानी, चाय की पत्ती, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू, चीनी और थोड़ी सी लौंग और अदरक और इलायची। तो सबसे पहले ना एक पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे एक ग्लास पानी। और यहाँ ना मैंने दो लोगों के लिए चाय बनाया, मतलब दो कप पानी लिया है। तो इसमें ना डबल चीनी लेंगे, मतलब एक कप के लिए दो चम्मच चीनी। तो मैंने यहाँ दो कप लिया है, तो उसके लिए मैंने डाला चार चम्मच चीनी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने लौंग लिया है और जो अदरक, छोटे छोटे काट लीजिएगा अदरक को। उसके बाद दो बे लीव्स डाल देंगे और अच्छी तरीके से पानी को बॉईल करेंगे। उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें चाट मसाला, बिल्कुल छोटी चम्मच, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ताकि ना ये आपको काढ़े की तरह भी यूज़ हो, थोड़ा सा मसाला भी रहे और टेस्टी टेस्टी लेमन टी भी मिल जाए। तो अच्छे से बॉईल आने देंगे और उसके बाद ऐड करेंगे चाय, मतलब चाय की पत्ती। तो वो भी मैंने डाला बिल्कुल छोटा चम्मच, जो 1/4 टीस्पून होता है ना, उससे मैंने डाला एक चम्मच, क्योंकि ना चाय बहुत जल्दी काला हो जाएगा, तो ज़्यादा मत डालिएगा। बिल्कुल छोटी चम्मच चाय की पत्ती और अच्छी तरीके से पानी को बॉईल आने दीजिएगा। जब पानी अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए तो समझेंगे कि हमारा चाय अब तैयार होने वाला है। बिल्कुल, तो अच्छी तरीके से बॉईल कीजिएगा पानी को। और एक छन्नी की मदद से, मैंने तो यहाँ पे केतली पे निकाला है, आप चाहे तो डायरेक्ट चाय के कप में भी छान सकते हैं। तो छन्नी की मदद से चाय को निकाल लीजिए। और उसके बाद ना नींबू का रस, तो मैंने यहाँ पे एक बड़े नींबू का रस निकाल लिया और उसमें मिक्स कर दिया। आप अगर ज़्यादा खट्टा पीना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, क्योंकि नींबू तो कोरोना का सबसे बड़ा हथियार है। और इसके बाद कप में मैंने सर्व कर लिया। तो नींबू अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन मैंने यहाँ दो कप बनाया तो एक नींबू डाला। और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, जो चाय लेमन टी की रेसिपी है ना, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं बन पाता। तो आप इस रेसिपी को बनाइए, इतनी अच्छी चाय ना अभी तक आपने नहीं पी होगी। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। मसाला चाय बनाने के लिए हम लेंगे दूध, पानी, चाय की पत्ती, चीनी और सूखे मसाले। उसके बाद लेंगे एक पैन और पैन में डाल देंगे आधा कप पानी। और उसके बाद ना आप एक जार लीजिए और या ग्राइंडर लीजिए और अच्छी तरीके से सारे मसाले को कूट लीजिए। मसाले में मैंने लिया काली मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक और थोड़ी सी दालचीनी, और अच्छी तरीके से ना मिक्स करके उसको बिल्कुल क्रश कर लीजिए, ताकि जो पानी में आपका जब मसाला जाए तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो पानी में डाल देंगे अपने सूखे मसाले। ये बिल्कुल ना कोरोना में सबसे हेल्पफुल चाय आपके लिए, क्योंकि इसमें सारे सूखे मसाले हैं और सारे मसाले बहुत फायदे वाले हैं। ये सारे मसाले बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके डाइजेशन के लिए, आपके पूरे बॉडी के लिए। और उसके बाद इसमें ऐड किया मैंने एक छोटी चम्मच चाय पत्ती, जो मेरा है वो टीस्पून है। आप अगर टेबल स्पून से डाल रहे हैं तो हाफ डालिए, मैंने यहाँ टीस्पून से डाला है तो एक चम्मच भर के डाला है। और उसके बाद ऐड किया इसमें दूध, तो दूध ना मेरा 1/3 रहेगा पानी का, तो पानी आपको 1/4 लेना है और दूध मैंने लिया या 1/3। तो इसी तरीके से रेशियो बना के आप चाय बना लीजिएगा। तो उसके बाद ऐड कर दिया दूध और अब पानी को बॉईल होने देंगे दूध के साथ, ताकि जो हमारा दूध है ना और पानी है वो आपस में मिक्स हो जाए और बिल्कुल अच्छा फ्लेवर लेके आए, अच्छा कलर लेकर आए। तो पानी और दूध को आपस में बॉईल आने देंगे और ना 5 मिनट तक आपको बॉईल करना है दूध और पानी को, ताकि जो चाय पत्ती है ना, जो आपकी चाय की पत्ती है, वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच चीनी। तो मैंने यहाँ ना जो चीनी डाला है वो टेबल स्पून से डाला है, तो एक भर के डाला टेबल स्पून। तो चीनी थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, ताकि जो पानी हमारा ऑलरेडी बॉयल हो चुका है और उसमें जो चाय पत्ती का थोड़ा सा करवापन है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमारा चाय तैयार हो गया। तो एक मिनट बॉयल आने के बाद हम चाय को निकाल लेंगे। तो एक छन्नी की मदद से आप डायरेक्ट कप में छान सकते हैं, चाहे तो केतली में छान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे चाय निकाल लिया और ये हमारा मसाला चाय बनकर तैयार है। ये चाय कोरोना में बहुत हेल्पफुल है। तो डू ट्राई दिस चाय वाली रेसिपी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि चाय कैसी बनी है। तो अगर हमने सबसे ज्यादा इस कोरोना के टाइम में कुछ पिया है तो वो है काढ़ा। तो लेमन टी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वो एक काढ़ा की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। और मसाला चाय नॉर्मल दूध वाला चाय नहीं, उसमें सारे मसाले डाले हैं ताकि वो भी आपकी इम्यून को स्ट्रॉन्ग करे। तो ये जो चाय की रेसिपी है ना, वो आपके फायदे के लिए है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।